Hey everyone, I'm Dipankar and welcome back to my channel. So, कुछ ही दिनों बाद आने वाला है Indian Independence Day यानी 15th August. तो हर साल ही मैं Independence Day को लेकर कुछ draw करता हूँ, पर ये वाला साल बहुत ही खास है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और कुछ ही दिनों बाद वो मून में पहुँचने भी वाला है. इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कॉन्सेप्ट आर्ट मैं करने वाला हूँ वो पूरा चंद्रयान के ऊपर ही होने वाला है. तो थंबनेल से आप लोग समझ ही चुके होंगे. तो पूरा ड्राइंग मैं यहाँ पर एक्रिलिक कलर से समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो जो लोग एक्रिलिक कलर पहले पहले सीखना चाहते हो उनके लिए भी ये वाला ट्यूटोरियल बहुत काम में आएगा. सो चलो अब शुरू करते हैं. सो यहाँ पर जो रेफरेंस फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं वो मैंने खुद एडिट करके बनाया है. यहाँ पर देखो बीच में है चंद्रयान और उसके ऊपर देखो मून का एक फ़ोटो है, नीचे अर्थ का एक फ़ोटो है और बीच में आप लोग हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो देख सकते हो. तो कुछ फ़ोटोज़ को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए पूरा ये कॉन्सेप्ट बनाया है यहाँ पर, ठीक है? तो ड्राइंग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कैनवस पैड पर, मतलब एक्रिलिक कलर से कैनवस पैड के ऊपर. यहाँ पर मेरा कैनवस पैड का साइज़ है A3. आप लोग कैनवस पैड भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैनवस बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एक्रिलिक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके पास है और आपके सूटेबल साइज़ में. मैं यहाँ पर A3 में कर रहा हूँ, आप लोग A4 में भी कर सकते हो. सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरा जो हमारा कैनवस है उसे ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है. उसके बाद ऊपर की तरफ ऐसे हाफ सर्कल और नीचे की तरफ हाफ सर्कल हम लोग मून और अर्थ के लिए बनाएंगे. अब बीच में हमें एक फुल सर्कल बनाना है अशोक चक्र के लिए. तो यहाँ पर मैं ऐसे एक फुल सर्कल बना लूँगा तो ये हो जाएगा हमारा बेस. अब आप लोग यहाँ पर देखो मैं चंद्रयान का एक बेसिक शेप यहाँ पर ड्रॉ किया है, पर ये अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसे आप लोग बहुत ही हल्के हाथों से कर लो क्योंकि एक्रिलिक कलर से हमें पहले जो बैकग्राउंड है उसे कंप्लीट करना है और जब हम लोग को करेंगे तब ये सामने का जो रॉकेट है वो वैसे ही ढक जाएगा कलर से. हमें बाद में फिर से ये ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं ये नहीं समझा रहा, ठीक है? तो ऐसे पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक 6B पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? अगर आप लोग कैनवस पे ड्रॉ कर रहे हो तो ज़्यादा जो टफ़ पेंसिल होता है जैसे कि HB 2B उससे ड्रॉ मत करो, 6B या फिर 8B से ड्रॉ करो तो, क्योंकि वो सारे पेंसिल थोड़ा सॉफ्ट होता है तो जो कैनवस है वो ख़राब नहीं होगा. चलो अब कलरिंग शुरू करते हैं. तो सबसे पहले ऐसे एक फ्लैट ब्रश चाहिए और उसके साथ कोई भी ऐसा एक स्प्रे बॉटल चाहिए. लोग ऐसे सैनिटाइज़र का जो बॉटल है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? उसमें पानी भर के. और यहाँ पर फ्लैट ब्रश अगर आपके पास ना हो तो किसी भी ब्रश से कर सकते हो, पर फ्लैट ब्रश से ज़्यादा जल्दी होगा. तो क्या करना है, पूरा जो पेपर है या फिर पूरा जो पैड है उसे हमें ऐसे थोड़ा वेट कर लेना है, थोड़ा भिगा लेना है और उसके बाद ब्रश से ऐसे इवेनली चारों तरफ जो पानी है उससे ऐसे फैला देना है. अब एक्रिलिक कलर में हर वक्त नीचे हमें एक बेस कोट बनाना होता है और कलर यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रशस्ट्रो का ब्राउन एक्रिलिक कलर, ठीक है? आप लोग कोई भी ब्रांड का कलर इस्तेमाल कर सकते हो. मैं पहले कैमल का भी यूज़ करता था, तो यहाँ पर मैं ब्राउन कलर ले लूँगा और उसे बहुत ही एक पतला डाइल्यूट ऐसे मिक्सचर बना के वाटर कलर की तरह पूरा जो कैनवस है उसमें ऐसे फैला दूँगा. इससे क्या होगा, पेपर का जो वाइटनेस है वो थोड़ा डल हो जाएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्रिलिक कलर करने के लिए, क्योंकि अगर ये स्टेप आप लोग नहीं करोगे तो बाद में 2-3 महीने जाने के बाद आपका जो कंप्लीट ड्राइंग है उससे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद डॉट डॉट निकल के आता है. तो वो चीज़ अगर आपके साथ ना हो इसीलिए आप लोगों को ऐसे एक बेस कोट दे देना होगा. तो यहाँ पर मैं ब्राउन से दे रहा हूँ, आप लोग कोई भी कलर से देख सकते हो पर ब्राउन कलर सबसे बेस्ट होता है. ये हो जाने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ना है और उसके बाद हम लोग कलरिंग स्टार्ट करेंगे. ये अब सूख चुका है, अब मैं यहाँ पर देखो कलर ले रहा हूँ. सबसे पहले क्या करना है, पूरा जो कॉन्सेप्ट आर्ट है उसके एकदम पीछे सबसे पीछे जो चीज़ है उससे हमें ड्रॉ करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है? एक्रिलिक कलर में ऐसे ही किया जाता है. तो यहाँ पर मैं पहले फ्लैग करूँगा क्योंकि वो सबसे पीछे है. तो यहाँ पर फ्लैग में कौन से कलर है, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन. तो ये 3 कलर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ओके? और पूरा जो ब्राउन है बेस टोन वो सूख चुका है, ओके? तो अब क्या करना है, अब देखो सामने का जो
मून है और जो नीचे अर्थ है उसके पीछे की तरफ है पूरा जो ये फ्लैग का पोर्शन, और उसके ऊपर है अशोक चक्र। तो अशोक चक्र बाद में होगा, पहले हमें एक बेस टोन देना है ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन का। बेस टोन में डिटेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, टेक्सचर के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पर हम लोग करेंगे सिर्फ कलर को फिल करना है ताकि जो बेस है वो अच्छे से बन जाए। सेकेंड लेयर में जाके हम लोग जैसे इसको करना चाहते हैं, जैसे टेक्सचर देना चाहते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो टोन है उसमें मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा, सिर्फ फिलिंग कर रहा हूँ, मतलब जगह में कलर से ऐसे फिल कर रहा हूँ। और अब कलर में ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, जो हमने ब्राउन में मिलाया था उसे तो ऐसे वाटर कलर की तरह ही बना दिया था, पर एक्रेलिक में वैसा नहीं होता। तो अब इसे थोड़ा ऐसे पेस्ट की तरह ही रखेंगे, जितना कम पानी यूज़ हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पर ऊपर ऑरेंज फिल करूँगा, नीचे ग्रीन फिल करूँगा और बीच में वाइट फिल करूँगा। तो देखो ऐसे मैंने पूरा जो बेस है वो बना लिया है। अब इसे एकदम पूरा सूखने नहीं देंगे, थोड़ा सूख जाने के बाद वेट वेट रहते रहते ही हमें इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर है वो स्टार्ट करना है। अब देखो बेस बन जाने के बाद सेम एरियाज़ में मैं सेम कलर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर ये सेकेंड लेयर है। ये करने से क्या हो रहा है, देखो कलर थोड़ा थिक हो रहा है और जो एक्रेलिक कलर है उसे थोड़ा ऐसे थिक करके इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा पेस्ट की तरह फील आता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे एक कलर के साथ दूसरा कलर थोड़ा अच्छे से मिक्स होगा, ठीक है। वाटर कलर जैसा नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ थोड़ा ऐसे थिक करके यूज़ करो। और ऊपर की तरफ देखो जो यहाँ पर ऑरेंज एरिया है उसमें मैं थोड़ा ऐसे क्लाउड की तरह टेक्स्चर बना रहा हूँ। रेफरेंस फोटो में ऐसे एकदम क्लियर है, पर इसमें थोड़ा मैं आर्टिस्टिक टच लाने के लिए जो ऑरेंज है उसके साथ ब्राउन मिला के थोड़ा एक डार्क टोन बना लिया, और उससे यहाँ पर जो ऐसे क्लाउड जैसा टेक्सचर है वो बना रहा हूँ। नीचे की तरफ जो ग्रीन है उसमें भी सेम होगा, ऊपर की तरफ लाइट ग्रीन होगा और नीचे की तरफ डार्क ग्रीन। लाइट ग्रीन बनाने के लिए ग्रीन के साथ थोड़ा येलो मिक्स करो, और डार्क ग्रीन बनाने के लिए ग्रीन के साथ नीचे जो अल्ट्रामेरिन ब्लू या फिर प्रशियन ब्लू है वो इस्तेमाल करो, और बीच में तो वाइट ही होगा। पूरा जो यहाँ पर शेडिंग का टेक्सचर है वो फ्लैट ब्रश से करो तो अच्छा है, फ्लैट ब्रश से एक्रेलिक में बहुत एक अच्छा सा लुक आता है, ठीक है। और जो मूवमेंट है वो ऐसे ऊपर की तरफ जो सर्कल है वैसे दोनों तरफ लेके जाओ, और जो नीचे की तरफ जो सर्कल है उसको उस मूवमेंट के साथ मिला के उस तरफ लेके जाओ। तो ऐसे दोनों साइड में दो एंगल में ऐसे मूव होगा पूरा जो शेडिंग है वो, और ज़्यादा ब्लेंड मत करो, थोड़ा यहाँ पर ब्रश का जो टेक्सचर है वो रखो, उससे ही अच्छा लगता है, थोड़ा ऐसे क्लाउडी टेक्सचर आएगा। आप लोग समझो कि ऐसा एक एरिया बनाओ जहाँ पर इंडियन फ्लैग है और उसका जो टोन है वो ऐसे क्लाउड की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो पहले ऊपर की तरफ ऑरेंज और नीचे की तरफ जो ग्रीन है वो बना लो, और उसके बाद बीच का जो वाइट पोर्शन है वो उसमें थोड़ा काम करो। यहाँ पर आप लोग जब भी ऑरेंज एरिया कर रहे हो और जब भी ग्रीन एरिया कर रहे हो दोनों एरिया में दो अलग ब्रश इस्तेमाल करो, वरना कलर से ग्रीन एरिया भी ख़राब हो सकता है या फिर ग्रीन कलर से ऑरेंज एरिया भी ख़राब हो सकता है, ओके। तो ऐसे देखो पूरा जो पीछे का एरिया है मतलब फ्लैग का पोर्शन है वो कम्प्लीट है। अब मैं यहाँ पर अल्ट्रामेरिन ब्लू कलर को इस्तेमाल करते हुए जो अशोक चक्र है उसका जो सर्कल है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दे दूँगा। इसमें बाद में और भी डिटेलिंग वाला काम होगा जब मैं यहाँ पर रॉकेट को बनाऊँगा तब। अब
सिर्फ देखने के लिए जो सर्कल है उसमें मैं एक बेस स्टोन दे के रख रहा हूँ। अब देखो बैकग्राउंड करीब करीब कंप्लीट है। अब हम लोग जो सामने का चीज़ें हैं जैसे कि अर्थ और मून है वो शुरू करेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड हो जाने के बाद थोड़ा सूख जाने के बाद ऊपर का जो मून का पोर्शन है उसमें मैं बेस स्टोन दूंगा। बेस स्टोन किससे होगा? ग्रे कलर, ठीक है। या पर रेफरेंस फोटो में भी आप लोग देख सकते हो कि बेस है ग्रे और ग्रे के ऊपर वाइट से ऐसे हाइलाइट्स है, ज़्यादातर ग्रे ही है। तो ग्रे कैसे बनाओगे? ब्लैक और वाइट को मिला के ग्रे बनता है। पर यहाँ पर आप लोग 80% वाइट इस्तेमाल करो और 20-10% ऐसे ब्लैक इस्तेमाल करो और उसके साथ थोड़ा ब्राउन भी मिलाओ ग्रे बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो कलर मिक्सिंग है वो आप लोगों को करना होगा और ये हो जाने के बाद आप लोगों को एक बेस टोन दे देना है पूरा मून में। अब मून के एरिया में देखो ग्रे में भी थोड़ा बहुत अलग अलग टोन है, तो वहाँ पर ग्रे में आप लोग थोड़ा ऐसे ब्लैक मिला के जो ग्रे से भी थोड़ा डार्कर पोर्शन है उसमें एक बेस टोन दे सकते हो। तो ये बेस टोन हो जाने के बाद हमें जो हाइलाइट्स है वो बनाना है। आज की वीडियो में इतना दूर तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा जो यहाँ पर मून का पोर्शन और नीचे अर्थ का पोर्शन है वो आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर चंद्रायन है वो हम लोग फाइनल स्टेज में करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। तो अगर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। रेफरेंस फोटो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरा इंस्टाग्राम में भी आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, तो जल्द से जल्दी आप लोग शुरू कर दो। A4 साइज़ में कर सकते हो, A3 साइज़ में कर सकते हो, कैनवास पैड या फिर कोई भी बोर्ड, मोटा बोर्ड होने से भी होगा, ठीक है, या फिर कैनवास पेपर में भी कर सकते हो। ओके, तो 15 अगस्त का ज़्यादा देरी नहीं है, तो जल्द से जल्दी शुरू कर दो। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ लेना। तो चलो, फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलता है इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।